Hello students, welcome to Short of Cells classes. Today I am going to discuss about again a determination for solid state chemistry. So solid state chemistry mein determination of crystal planes matlab usme bahut cheez aata hai. Ek aata hai determination of reflection. So आज हम वही रिफ्लेक्शन के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है, ये रिफ्लेक्शन मतलब जहाँ पे हम लोग ब्लैक क्रिस्टल मतलब एक्सरे देके जो टेस्ट हुआ था वो तो हम लोग जानते हैं. उसमें क्या हुआ था कि एक्सरे का रिफ्लेक्शन कौन कौन से मीडियम पे होता है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग अपना स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. तो एक्सरे का एक्सरे कौन कौन प्लेन से जाएगा वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेन्स वो डिफरेंस होगा. तो एक्सरे का जो डिफरेंट प्लेन्स डिफरेंट प्लेन्स में जाएगा तो वो देखने के लिए हम लोगों को कोई वैल्यू और कुछ रूल्स है. तो वो रूल्स अभी अगर हम लोग फॉलो करके चलेंगे नॉर्मल सिंपल के जो क्रिस्टल आता है कि सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके कुछ रूल्स है. इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा तो उसका रूल्स भी बहुत डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर का रूल्स बहुत स्मॉल है. तो ये सब रूल्स अगर थोड़ा हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इजीली कोई भी प्लेन हो और कोई प्लेन का एब्सेंस और प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा और कौन कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होगा. तो ये वाला एग्जाम्पल अगर ये वाले के लिए कोई जो नॉर्मल फॉर्मूलाज आता है तो देयर आर प्लेन्स मतलब प्लेन्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. एच के एल वैल्यू, तो व्हाट इज एच के एल वैल्यू, इट्स अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट प्लेन. तो अभी नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई कोई प्लेन प्रेजेंट होता है और कोई कोई प्लेन एब्सेंट होता है. तो कौन कौन सा प्लेन प्रेजेंट है और कौन कौन सा प्लेन एब्सेंट है ये देखने के लिए हम लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. तो चलो अभी हम लोग कैसे देख सकते हैं कि सपोज ले लो कि हम लोगों के पास एक प्लेन है. ये क्वेश्चन CSIR में भी एक बार आया था जिसमें वन वन प्लेन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वन वन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, टू 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 प्लेन्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन देयर इज नो जीरो जीरो वन प्लेन. ये एक क्यूबिक सिस्टम है. तो अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा ये कौन सा क्यूबिक सिस्टम, कौन सा क्यूबिक सिस्टम है जहां पे ये वाला हो रहा है. तो एक एक करके अगर मैंने पहले सिंपल क्यूबिक सिस्टम बहुत ही इजी सिस्टम है. यहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन हो ये यहां पे ऑब्जर्व होता है और इसका मतलब कोई भी एच के वैल्यू इधर दे दो तो वो पॉसिबल है. नेक्स्ट क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और बीसीसी, बीसीसी लिखती हूँ, बीसीसी. तो बीसीसी क्या है, बीसीसी में अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एच ये अगर इवेंट होगा तो हम लोग देख पाएंगे. तो H प्लस K प्लस L वैल्यू इवेंट होना चाहिए. तो ये तीन एग्जांपल्स को अगर मैंने हम लोगों ने देखा तो ये वाला तो नहीं है क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा तो जीरो जीरो वन भी आ जाएगा. इसका वैल्यू वन टू थ्री, ये इसका वैल्यू कितना होगा, एच के एल वन प्लस वन प्लस वन थ्री और ये टू प्लस टू प्लस टू सिक्स और ये जीरो प्लस वन कितना है वन. इसका मतलब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, ये वैल्यू, तो ये सिर्फ ये इवन है और ये दोनों ऑड है. तो अगर ये बीसीसी होगा तो ये तो एब्सेंट होगा, ये वाला भी एब्सेंट होना चाहिए है कि नहीं. तो ये दोनों दो अगर एब्सेंट होगा इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बीसीसी नहीं है. नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि एफसीसी के बारे में,
एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में जो प्लेन का कुछ भी वैल्यू हो, एच के एल ऑल इवन और ऑल ऑड, अगर इवन है तीनों को इवन होना चाहिए और ऑड है तो तीनों को ऑड होना चाहिए। तो अभी ये वाला स्ट्रक्चर में वन 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 तीनों ही ऑड है, ये वाला स्ट्रक्चर में टू 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 तीनों ही इवन है मतलब, और अभी तो थोड़ा थोड़ा एफसीसी लग रहा है, और उसके बाद ये लास्ट वाला देखोगे तो जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन क्या है, जीरो जीरो वन मतलब ये दो इवन एंड लास्ट वन इज ऑड, सो एच के वैल्यू इज इवन एल इज ऑड, सो ये वाला प्लेन नहीं दिख रहा है। तो अभी कंडीशन हम लोगों का खुद भी हो गया, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा एफसीसी। ऐसे स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हो कि कौन सा वाला प्लेन कहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला, ये सब स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन सीएसआई नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इससे आता है, तो ये ट्रिक को याद करके रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टेइंग विद अस।